अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। गुजरात में सोमनाथ, मांडवी, द्वारका जैसी कई जगहें घूमने लायक है, लेकिन आइए आपको बताते हैं गुजरात की एक ऐसी जगह जो यहाँ के इकलौते हिल स्टेशन के रूप में जानी जाती है। यहाँ आप अक्टूबर में घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। गुजरात में सह्याद्री पर्वतमाला की खूबसूरत वादियों में स्थित सापुतारा एक शानदार हिल स्टेशन है। यह डांग जिले में आता है। सापुतारा गुजरात का इकलौता हिल स्टेशन है जो समुद्र से 3000 फीट की ऊंचाई पर है। गुजरात और उसके आसपास के इलाकों में यह हिल स्टेशन काफी लोकप्रिय है। यहाँ का तापमान गर्मियों में अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सर्दियों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 16 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस होता है। मानसून जुलाई से सितंबर में यहाँ सालाना 255 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। यही कारण है कि हर साल सापुतारा मानसून उत्सव का आयोजन किया जाता है। सापुतारा का मौसम बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की जलवायु सुंदर, स्वच्छ और लाभ भी है। खुली शुद्ध जलवायु आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। बहुत से लोग सुंदर हवा में आने के लिए यहाँ आते हैं। सापुतारा पश्चिमी घाट के डांग जंगल क्षेत्र में एक सपाट इलाके में है जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का भाग है। माना जाता है कि यह सांपों के निवास स्थान के ऊपर स्थित है। स्थानीय समुदाय होली के दिन यहाँ सर्पगंगा नदी के किनारे सांपों की तस्वीरों की पूजा करती है। वैसे सापुतारा केवल एक हिल स्टेशन ही नहीं बल्कि यहाँ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। माना जाता है कि भगवान राम ने अपने निर्वासन के दौरान यहाँ 11 वर्ष बिताए थे। सापुतारा का अर्थ है होम टू सांप है। यहाँ के सुंदर जलप्रपात, हरियाली, छोटी पहाड़ियाँ और खुशनुमा मौसम आपके लिए एक यादगार ट्रिप रहेगी। आप चाहें तो यहाँ अक्टूबर में भी आ सकते हैं। वैसे मानसून में जुलाई से लेकर सितंबर तक आना यहाँ एक खास एहसास देगा, लेकिन बारिश के बाद की खूबसूरती देखना हो तो अक्टूबर में आने का प्लानिंग बेस्ट रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।